कॉस्मेटिक का सामान ले लो, प्लास्टिक का सामान ले लो, कॉस्मेटिक का सामान ले लो, प्लास्टिक का सामान ले लो। ओ सामान वाले रुकियो। मैडम कॉस्मेटिक का सामान, प्लास्टिक का सामान, सभी एक नंबर की चीज है, बहुत मजबूत। आइए बताइए क्या चाहिए आपको। चाय छलनी दे दे। ये आपकी होगी चाय छलनी। लो मैडम दो चाय छलनी आपकी। और ब्रश भी निकाल दे। ब्रश मैम? कपड़े धोने वाला ब्रश। ब्रश ये बताइए कौन सा चाहिए? ये वाला दे दे। लो मैडम ये ले लो। और बताइए। और जूने भी दे दे। जूना मैडम? जूना तो आप ये ना इतने चलेंगे मैडम बिल्कुल खुश हो जाओगे, खराब होने वाली चीज तो है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है। और बताओ मैडम। रबड़ भी दे दे। मैडम ये लो रबड़, बहुत सस्ती और बहुत मजबूत है। हाँ ठीक है। और बताइए। ठीक है फिर। वो मैडम पैसे? अरे पैसे दे तो दिए मैंने। मैडम आप कैसी बात कर रहे हो, आपने कहाँ दिए पैसे, आपने सामान ही तो लिया, पैसे तो दिए ही नहीं है। अरे दे दिए याद कर। मैडम मुझे अच्छे से ध्यान है, कोई आपने पैसे नहीं दिए, मुझे पैसे दे दो मेरे। अरे दे दिए मैंने पैसे। मैडम मुझे अच्छे से याद है, कोई पैसे ना दिया, पैसे दे दो। पैसे चाहिए तुझे? ले और दिए पैसे, चला जाए यहाँ से, आज के बाद ना दिख मत जाइयो यहाँ। आया बड़ा। आज तो मौज होगी, इतना सारा सामान ले लिया और एक भी रुपया नहीं दिया उस गरीब से रेडी वाले तक। अब इन पैसों से स्कूल में पार्टी करूंगा। ईशांत क्या कर रहा है तू? ये तूने पैसे चुराए? दिखा मुझे, दिखा क्या है तेरे हाथ में, जल्दी दिखा मुझे, दिखा। तूने अपने पापा के पर्स में से पैसे चुराए? तू चोरी कर रहा था? कहां से सीख रहा तू ये सब? कहां से सीख रहा है ये सब? अपने दोस्तों से सीख रहा है या स्कूल में सीख रहा है? मैं आपसे। मेरे से? तेरा कहने का क्या मतलब है, मैं चोरी करती हूँ? मैं आपने उस रेडी वाले से सामान लिया और उसे पैसे नहीं दिए, ये भी तो एक चोरी हुई। बेटा चोरी करना बुरी बात होती है, और जो आज मैंने किया वो भी बहुत गलत किया। मैं उस अंकल से माफी मांग लूंगी और तुम मुझे प्रॉमिस करो आज के बाद तुम भी कभी चोरी नहीं करोगे। प्रॉमिस करो मुझे। ठीक है मम्मी, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अब जाओ अपना होमवर्क करो। फिर क्यों आ रही है? अरे ये लो तुम्हारे पैसे जो सुबह मैंने सामान लिया था। धन्यवाद मैडम, बस एक बात कहना चाहेंगे, पैसे किसी के भी ना मारने चाहिए, कोई गरीब हो या अमीर, हर कोई मेहनत से कमाता है, हर कोई अपना पसीना बहाता है। मैंने तुमसे इतना सामान लिया और तुम्हें बिना पैसे दिए ही वापस भेज दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, एक गरीब के पैसे नहीं मारने चाहिए थे मुझे। चलो उम्मीद करते हैं आप आइंदा ऐसा किसी के साथ ना करो।